लोगों से हम जान रहे हैं यहाँ पर यूपी में। पहले इससे पहले आए हो कभी? हाँ आया था, बस्ती में आया था पहले। ये पहली बार आया, मैं बस्ती में आया था पहले। आप मुंबई में रहते हैं, यूपी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता होगा कि थोड़ा गांव सा या इतना डेवलप नहीं लगता? एक छाप हो गई है अभी ऐसा लगता है। अभी ये आगरा में आके तो नहीं लग रहा है, आगरा में तो ये गली देख के ही नहीं लग रहा है कि बाप रे बाप, ये मुंबई से ज्यादा भीड़ है यहाँ पे तो, ऐसा होगा। यहाँ पर काफी मॉल्स भी हैं, काफी सारे आउटलेट्स हैं खाने। अभी मुझे तो पता नहीं था ओला उबर भी है यहाँ पे, मैंने ओला में डाला तो तुरंत एक्सेप्ट हो गया और लेने आ गया मेरे को। मतलब बात है बहुत, तो मतलब आपको ऐसा जो ये छवि थी, हाँ एक छाप थी वो एक दूर हो गई। अभी तीन दिन से जो रहा हूँ, मतलब जो हिसाब से मुझे लग रहा है कि रोड रास्ते जैसी सुविधा है जैसे कि, तो वो तो बढ़िया है एकदम। आप तो अभी यूथ हो, सिग्नल विग्नल पे जो भी है, जो भी मतलब सिक्योरिटी और ट्रैफिक का जो बोलते हैं ना कि सिग्नल पे रुकते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि तोड़ा जा रहा है उसको, ऐसे ही है, सब सिस्टमेटिक हो रहा है काम। मतलब यूपी जो है वो बदल चुका है। अच्छा, मोदी जी को आप जानते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री है। यूपी के लिए मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ के लिए नारा बनाया था, यूपी प्लस योगी उपयोगी। आपको लगता है? 110%। मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट पीएम ही वो बने, योगी आदित्यनाथ। योगी, मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो ये कहते हैं कि अगर या तो स्मृति ईरानी। अच्छा, कोई तो स्मृति ईरानी को क्या देख के बोला? मतलब एक होते ना कि एक उनका एक अलग ही छवि बन गई है जो वो सेलिब्रिटी भी है। हाँ सेलिब्रिटी भी है, जो पार्लियामेंट में जो स्पीच देते, जब वो जब स्पीच देते तो उनकी आवाज उनका पावर वो अलग है। मतलब वो लगता नहीं कि वुमन के हिसाब से वो इतना हो सकते इतने, तो एजुकेशन मिनिस्टर है वो, तो वो काफी समझ है आपको। अच्छा मैं अगर आपसे ये बोलूं कि योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, एक लगता है ऐसा, ऐसा लगता है। मंदिर वगैरह बन रहे हैं आप देखते होंगे, कहते हैं राम राज्य हिंदुओं के लिए है, राम राज्य ऐसा बोल सकते हैं अपन की 90% अपने लिए, वो बंदा अपने लिए हिंदू मतलब खुद के लिए, खुद के लिए। बट जो मुस्लिम कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा पक्षपात तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुस्लिम डर रहे हैं, क्या डरने की जरूरत है क्या? खौफ तो बना के रखा है उन्होंने, खौफ तो बना रखा है लेकिन गुंडों को, गुंडों के लिए और ऐसे भी बना के रखा है, समझ लीजिए। अभी आप, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसा बना के हिंदुओं के लिए मतलब है एक अच्छी। हाँ क्या नाम है आपका? याचना जी, याचना, क्या याचना लेके आए थी आप? शूट में ही आए हैं? शूट में आए हम दोनों, हमारा प्री वेडिंग का शूट था। हो गया शूट यहाँ ताजमहल में ही किया? ताजमहल में। अच्छा, आप यहाँ पर पहली बार आई हैं? पहली बार आई। कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा है, बस फोटो शूट के लिए परमिशन नहीं देते ये लोग। ओहो, फोटो शूट के लिए परमिशन दे देनी चाहिए हमको, मेहताक बाग में जाने नहीं दिया। आपका आप शूट नहीं कर पाए यहाँ पर? नहीं कर पाए मेहताब बाग में, तो अभी प्रीवेडिंग हुआ ही नहीं आपका शूट? ताजमहल में हुआ और वो बोटिंग में हुआ, वो दो जगह पे हो गया और सनसेट पॉइंट पे हो गया। अच्छी है पिक्चर्स? तीन जगह है पिक्चर्स। अच्छा, हाँ अभी आएगी एडिट होके तो पता चल जाएगा, एडिटर अच्छी फोटोज निकालना ही। अच्छा मुझे ये बताओ, यूपी में पहली बार आए, कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा है, क्या देख के आपने बोला अच्छा है? आपके दिमाग में क्या है जब यूपी सुनते हैं? पहली बार आए हो, आपने कैसा सोचा था कैसा होगा यूपी? एज अ इमेज वाइज तो अच्छा नहीं था इमेज, लाइक ऐसा सेफ्टी वाइज ऐसा सेफ नहीं लगा था मेरे को। अब अभी बराबर लग रहा है, ऐसा है बराबर, इतना भी रिस्की नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN World, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो।